बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला अख्तर और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला एंटरटेनर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैं दोबारा आया हूं रोड और रात भी काफ़ी बारिश हुई है, तो मैंने कहा चलें आज की अपडेट्स आपको करते हैं। तो भी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। चले विवर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आज की सूरत हाल, काफ़ी ज़्यादा पानी आज भी खड़ा है। तो ये रिश्ता आप देख सकते हैं काफ़ी डूबा हुआ है ये भी। तो लेकिन पहले की नस्बत ये आज पानी कम है, क्योंकि बारिश भी उस लिहाज से हुई होगी, तो पहले की नस्बत पानी जो है कम है। तो ये देखें कोई बाइक बंद हो गई है, कोई नहीं हुई, तो इस तरह ही चल रहा है सिस्टम। ये सामने रिश्ते भी आप देख सकते हैं बंद हो गए हैं, वो आगे काफ़ी रश लगा है, तो मुश्किल ही है, मुश्किल ही पेश आती है लोगों को। ये देखें ये भी बंद हो गई हुई है बाइक, तो इस तरह ही सारा किसी भाई की बाइक बंद हो जाती है, किसी की नहीं बंद होती। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं मतलब लोग काफ़ी मुश्किल में हैं। तो ये देखिए रिश्ता भी डूबा हुआ है। तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट करना और बताना कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कार आ रही है, इसके टायर काफ़ी ज़्यादा डूब गए हुए हैं लेकिन बंद नहीं हुई है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप, ये गाड़ी अभी जा रही है, बंद तो नहीं हुई लेकिन चली जा रही है। तो ये देखिए पीछे एक बाइक जा रही है, ये काफ़ी टूटा हुआ है ना, देख सकते हैं आप। फिर बाइक अक्सर बाइक जो है ना फिर बंद हो जाती है, जब उसको बुरा जंप लगता है ना तो फिर बंद हो जाती है। तो अंदर मैं पानी के नहीं जा रहा कि आपको सारा व्यू इस तरह मैं अभी दिखा रहा हूँ। चलते हैं साइड पे होते हैं। देखें जी ये आज की सूरत हाल है शाबाम फाटक की। ये बस के पीछे आप देखें बच्चे लटके हुए हैं। तो व्यूअर्स वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है कि मतलब कि आपको अपडेट मिल जाए। ये देखें इशारे कर रहे हैं कि आपको अपडेट हो जाए मतलब कि क्या सूट क्या चल रही है। तो काफ़ी भाई बाहर के मुल्क भी के भी हैं, तो वो मुझे फिर कहते हैं भाई अपडेट किया करें, तो हमें सारी सूरत हाल दिखाया करें, सियालकोट में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप दूर दूर तक पानी खड़ा है यहाँ पे। तो आज पानी कम है, पहले की नस्बत ना बारिश कम हुई है मेरे हिसाब से ना। तो ये सारी सिचुएशन आप देख सकते हैं, पानी कितना है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यही अगर पाइप साफ होते पानी वाले तो यहाँ पर पानी खड़ा नहीं था होना, पानी सारा निकल जाना था आगे। तो लेकिन पाइप की सफाई होती तो फिर ही था ना, लेकिन यहाँ पर ये देखें रोड भी टूटा हुआ है, पुल भी जो है रास्ता आधा बन गया, आधा नहीं बना, आधे से भी कम बना हुआ है अभी तक। ये बात देखें जी, बाइक से इन्होंने ट्रक इसके ऊपर रखी हुई है। ट्राली ट्रैक्टर जो होता है, ट्राली ट्रैक्टर उसके ऊपर।
रेलवे लाइन है ये। तो व्यूअर आज जो है ना पानी कम है, पहले से बारिश मेरे हिसाब से कम हुई है, नहीं तो पहले जितनी बारिश होती तो पहले जितना ही पानी खड़ा होना था। अभी देख सकते हैं आप बाइक्स जो है काम भी बंद हो रही हैं। ये बंद हो गई हुई है अंदर काफी। तो जी व्यूअर्स आपने देख लिया होगा आज की सूरत हाल। मैंने कहा चले आज आपको फिर दोबारा पानी की अपडेट्स करते हैं कि कितना पानी आया है इधर शाबा फाटक पे। तो ये देखें जी आज इतना पानी आया है। तो ये चाहिए इनको कि रोड बना देनी चाहिए या फिर पुल स्टार्ट कर देना चाहिए जिधर से फिर जो है ना लोग आराम से गुजर सकें। अगर नीचे से सही हो ना तो फिर मतलब कि इनको चाहिए जो साइड पर पाइप हैं पानी वाले सही करने चाहिए, सफाई करनी चाहिए उनकी तक पानी खड़ा ना हो। तो पुल भी इनको स्टार्ट करना चाहिए तो आगे नीचे जब पानी खड़ा हो तो बंदा पुल से गुजर जाए। लेकिन ये नीचे से भी बुरा हाल है और ऊपर से भी बुरा ही हाल है। ये देखें ये इनका काम अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है तो ये छोड़ गए हैं इस तरह ही। चले व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। चले व्यूअर्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।